जोहार सभी को। जनरली आज जो टॉपिक लेकर आया ना, आप लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, वो है गॉप फॉग। तो जनरली गॉप फॉग ये आपका अगर एनसीईआरटी आपके पास है ना, तो जनरली 1.3 एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा गॉप फॉग। तो जनरली इसमें थोड़ा सा दुविधा ये था कि कोई कोई बोल रहा था ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, कोई कोई बोल रहा था नहीं ये क्वेश्चन है। तो जनरली वहां आप सिलेबस को अगर पीडीएफ को अच्छा से देखिएगा तो वहां पर पता चलेगा जनरली क्या कि वो है कि इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रखा गया था। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ही गॉप फॉग आता है। तो बस आप लोग देखिए और सवाल को समझिए और एक क्वेश्चन और वो भी 4 मार्क्स आप लोग ले लीजिए, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक ही विनती है कि आप लोग अभी उलझन में ना पड़े और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट बर्बाद कीजिए। जनरली बर्बाद नहीं, आप लोगों के लिए 4 मार्क्स हम दे रहे हैं। तो बस आप लोग इधर उधर ना खोए, सपनों की रानी में नहीं खोना है, यहाँ पर देखना है। तो देखना क्या है, कैसा रहेगा क्वेश्चन, वो हम आपके सामने में ले रहे हैं। जनरली रहेगा क्या कि यदि fx = 2x + 1 और gx = x³ है, तो पहला एक ही क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि जी ओ एफ ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन और आपको जो है हम समझाएंगे और बेहतर तरीका समझाएंगे, तो आप लोग ध्यान यहां दें ना कि इधर उधर ना दें, तो बढ़िया रहेगा समझने में। तो समझना है कि हमको चाहिए क्या गॉफ। तो जनरली क्वेश्चन में कभी कभी यहां पर एक्स लिखता है, कभी कभी नहीं लिखता है, तो आपको अपने मन से ले लेना है यहां पर एक्स, ध्यान से देखना है। तो एक्स ले लिए, अब देखना क्या है, यहां आ गया एफ एक्स। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जरा सा ध्यान देना है आप लोगों को और ये 4 मार्क्स जो है ना आपका झोले में आ जाएगा। यहाँ क्या है एफ एक्स है, अब इसको ध्यान क्या देना है, देखना है हम यहाँ पर जी लिख दिए, ठीक है लिख दिए। अब एफ एक्स है, हमें पता है कि एफ एक्स यहाँ पर हमको गिवन है, तो वही एफ एक्स को यहाँ पर डाल देना है बस। तो क्या करेंगे, कितना है 2x + 1 और क्या समझना है इसमें, ये तो हमको fx का वैल्यू दे दिया, तो fx का वैल्यू रख दिए और कुछ किए नहीं किए। अब क्या है वैसे समझने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको जो है ना हम लोग लेट कर लेते हैं अलग फंक्शन, जैसे हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 2x + 1 = ना a मान लेते हैं। मान लेने से क्या होगा कि थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। तो अगर हम मान लेंगे तो जी और इसको हम क्या मान लिए a, तो ही तो लिख दिए। अब क्या है जी ए, थोड़ा सा देखना है कि जगह थोड़ा सा नीचे में हो सकता है प्रॉब्लम हो देखने में, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया जी ए, ध्यान से देखना है यही चीज को हम लिखे हैं, 1 2 यही दो ही स्टेप है, 3 से 4 स्टेप में इसका आंसर होता है। तो अब देखना है कि जी एक्स, अगर एक्स रहता है तो एक्स क्यू, अगर ए है तो ए क्यू, एक्स रहता है तो एक्स का क्यू, बी रहेगा बी क्यू, सी रहेगा सी क्यू, तो ए रहेगा तो ए क्यू, और क्या यहाँ ए है तो ए का वैल्यू कितना, तो 2x + 1 और इसका होल क्यू। तो आप चाहिएगा तो इसका होल स्क्वायर में थोड़ा सा विस्तार करते हैं, बस वही हो गया आंसर। तो क्या है बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ नहीं है। वहीं पर क्वेश्चन में अगर हमको बोल देता है कि नहीं फॉग भी निकाल है, तो फॉग भी निकालने के लिए इसी विधि का इसी तरह निकालना है, कैसे निकलेगा जनरली क्या है, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जनरली है क्या कि हम इसी क्वेश्चन को जनरली है कि हम फॉग भी आपको निकाल के बताते हैं। तो क्वेश्चन था कि एफ एक्स बराबर 2x + 1 है और जी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यू, और हमको निकालना क्या है फॉग निकालना है, गॉप तो भी बताए अब फॉग निकालना है, ये मतलब क्या होगा। तो क्वेश्चन हम बोले थे एफ ओ जी, ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहां पर एक्स दे, हो सकता है तो नहीं भी देगा, तो नहीं देगा तो क्या करेंगे अपने मन से ले लेंगे, ले लिए क्या दिक्कत है, ले लिए जो होगा देखा जाएगा, पहले ले तो लिए। अब लेने के बाद क्या करना है हमको, यहां नजर पड़ गया किसका, तो जी एक्स, जी एफ नहीं,
जी एक्स पर नजर पड़ गया, तो यहां पर हमको देखना किसका है, जी एक्स पर, और जी एक्स का वैल्यू कितना, एक्स क्यूब है, ब्रैकेट देके क्या लिख दिए, एक्स क्यूब लिख दिए। समझना है और ध्यान से समझना है, दो क्वेश्चन बताएंगे और आप एग्जाम में 4 मार्क्स लेके आइएगा, ज्यादा क्वेश्चन बताए भी नहीं करेंगे, दो क्वेश्चन बताएंगे और उसी दो क्वेश्चन से आप यहां से 4 मार्क्स ले सकते हैं, हो गया। अब जनरली है क्या कि जनरली इसको थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेट कि x क्यू इक्वल टू मान लेते हैं कि b, क्योंकि इससे पहले हम a माने थे तो आप a भी मान लिएगा, लेकिन अलग क्वेश्चन रहेगा तब, ये सेम क्वेश्चन है तो हम लोग b मान लिए, तो क्या यहां से क्या हो गया, तो f b हो गया। अब f b मतलब आप फेसबुक पे नहीं चल जाना है, यहीं पर रहना है, तो f b ध्यान दीजिएगा 4 मार्क्स आपका 4 लाइन में है, 1 2 इसके बाद और 2 लाइन, 4 लाइन में आपको मिलता है कितना, 4 मार्क्स, ध्यान देना है। तो जरूरी है क्या कि f x है भाई, थोड़ा सा ग्राफ का प्रयोग करते हैं कि f x है तो 2x+1 है भाई, अगर f हम 1 लेंगे तो 2 × 1+1 मतलब इस x की जगह खाली 1 बैठेगा, अरे भाई f a लेंगे तो क्या होगा, तो 2a+1 होगा, अगर f b लेंगे तो होगा 2b+1, वही ना चीज है, तो क्या होगा, तो 2b+1 और 2 इस b का वैल्यू कितना, तो एक्स क्यूब और प्लस 1 ही तो आंसर है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मिलेगा आपको 4 मार्क्स। हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के सामने में, बस गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और एक 4 मार्क्स अपने पैकेट में रख लीजिए। बाद हम 4 चीज ले लिए और ये चारों चीज को आपको याद करना है। तो पहला है क्या, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, जैसे क्या है तो F है, तो जैसे नंबरिंग भी कर सकते हैं F O G, तो हम क्या बोले, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से क्या ले लेंगे, F से ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है, तो यहां जैसे है क्या, तो GX है भाई, तो GX का वैल्यू कितना है भाई, तो GX का जो मान है वो कितना है, 3X है, GX का मान कितना है, तो 3X, बस GX के जगह ये मान को हम रख दिए, G से मतलब खत्म। अब क्या, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि 3X बराबर ए मान लेते हैं, मान लेने से बेहतर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ए, हो गया। अब जनरली एफ का बात हुआ तो हमको एफ के पास जाना है ना कि किसी और के पास, तो एफ ध्यान से देखना है, तो एफ जो है भाई, एक्स रहता है तो एक्स स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर, तो वही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 जो है लिख दिए। अब ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना, तो 3x का होल स्क्वायर और प्लस 1, तो 3 मतलब 9x स्क्वायर प्लस 1, बस यही निकालना था, ये निकल गया, a को निकला, अभी तो 3 को और है ना, तो तीनों हम निकालने बताते हैं, तो GOF x ये है, अभी हम निकालेंगे। तो जनरली है क्या कि जैसे मेरे पास हमको नजर आ गया किसका, तो fx का नजर आ गया, जैसे ही नजर आ गया तो fx का वैल्यू जो है वो हम रख देंगे, तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 रख दिए। अब क्या, तो जैसे यहां रख दिए वैल्यू, अब इसको हम लेट कर लेते हैं, क्या है भाई कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ना b मान ली, तो क्या हो गया, gb मान लिए। अब है जी आ गया तो हमको फिर किसके पास जाना होगा, जी के पास, जी एक्स है तो 3x, अब बी है तो 3b, अब क्या 3 लिख लिए और यहां पर बी है, ठीक है। अब बी का जो वैल्यू है, तो बी का वैल्यू कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर और प्लस 3, हमको लगता है आपको जरूर है समझ में आ गया है। अब क्या है, ये बन जाने के बाद, अभी अभी ये दो चीज है, तो जनरली आप ये चीज को लिख लीजिए और आसानी से समझने का कोशिश भी कीजिए और एक बार देख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। अब हम इसको बता रहे हैं जी ओ जी को, तो जनरली जी ओ जी में देखना क्या है, जी ओ जी, एक्स को हमको अपने मन से लेना है,
तो जनरली यहां मेरे पास नजर आ गया gx, तो gx का वैल्यू है ये g लिखना, ये gx हम इसका वैल्यू बिठा रहे हैं, बिठा दिए। अब इसको लेट भी कर लिए कि 3x इक्वल टू c, तो मेरा हो गया gc। अब फिर से g आ गया तो फिर से ही जाना होगा और बैठाना होगा, तो 3c हो जाएगा 3, और c का जो वैल्यू है तो कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 9x। अब क्या है, तो अब है FOF। फिर तो हम चाहते क्या है कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझेंगे कि आप लोग कितना समझे और इसको बना पाते हैं। बस आप लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे बने रहे, और आप लोगों का जो क्लास 12th है ना, जनरली बेहतर तरीका से हम तैयारी करवा देंगे। मॉडल सेट आएगा, मॉडल सेट का सारा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। बस मॉडल सेट जैसे ही जैक जारी करेगा हम उसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, और जितना हो सकेगा आप लोगों का हम सहायता करेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप लोगों का सारा समस्या का समाधान हम करेंगे। धन्यवाद।